नमस्कार सर, नमस्कार जी। मेरा नाम प्रतीक शर्मा है। मेरी भी 15 दिन पहले सर से ही सर्जरी हुई है, तो छोटा सा एक आपका रिव्यू लेना चाहूंगा। मैंने सुना है कि आप पूरे 100% क्योर हो चुके हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। थोड़ा सा अपने बारे में रिव्यू दीजिए सर। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे को कॉम्प्लेक्स फिस्टुला था और इस फिस्टुला ने मेरे को काफी परेशान किया हुआ था। ये पिछले 2.5-3 साल से मेरे को चल रहा था। कोरोना से पहले ये शुरुआत हो गई थी इसकी। अच्छा, फिर मैं जब देखा कि काफी देर तक ये मेरे को कम कर रहा है, मैंने काफी रिसर्च की थी और फिर अपने मेरे हमारे गांव के डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे को डॉक्टर कॉन्टेक्ट करके मेरे बारे में बताया। ठीक है। बीच में सर्जरी से मैं थोड़ा सा हट रहा था और मैंने सोचा कि इसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक किया जाए। मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ली, उसका फर्क मेरे को बहुत मार्जिनल रहा, है ना, ये क्योर नहीं हुआ। तो फाइनली वी डिसाइडेड कि हमें यहाँ आना है, डॉक्टर दत्त से मिलना है। तो हम लोग यहाँ पर 4 अप्रैल को आए थे 2024 में। ओके। और फिर मेरी MRI हुई थी 7 अप्रैल को, उसमें काफी कॉम्प्लेक्स फिस्टुला निकला था। ठीक है। हाँ, मैंने आपकी वो रिपोर्ट देखी, काफी आपका इस टाइप से ऊपर जा रहा था, बहुत ही ज्यादा ऊपर। ये सिचुएशन मेरे को इस तरह से डायरेक्शन में लेके जा रही थी कि मैं कुछ भी खाता था तो मेरे को जो खिंचाव होता था पेट में रहता था, क्योंकि बैक्टीरिया जो था वो रेक्टम से ऊपर तक पूरा इंटेस्टाइन्स में जा रहा था। अच्छा, इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ रहा था धीरे धीरे। हाँ, वो बढ़ चुका था, उसकी ओपनिंग बन चुकी थी। अच्छा। तो कुछ भी खाने के बाद मेरे को मुश्किल होती थी, सारा दिन मेरे को दिमाग में टेंशन रहती थी इसकी, और वेट भी मेरा गिरा था इसके कारण। और ये जो प्रॉब्लम थी, फाइनली मेरे को 10th को डॉक्टर साहब ने सर्जरी की, और 10th ऑफ अप्रैल दिस ईयर। और फिर 11th, 12th, 13th में मेरे को इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए। खाना मेरा ठीक हो गया, स्टमक मेरा ठीक हो गया, and it was just you know stuff after that कि उसको आपको bandages करनी है, आपके कोई family member साथ में हो। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी थी, तो उन्होंने इस चीज को सीखा। हम लोग यहाँ 2 हफ्ते रहे। ठीक है। आप basically कहाँ से कहाँ रहते हैं? रियाद। अच्छा। तो मैं 27 अप्रैल को रियाद चला गया। okay. और उसके बाद 2 महीने के बाद मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी, पुशअप शुरू कर दिए, जो मेरा रूटीन था पहले भी। okay. और अब खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परहेज नहीं है। जो मैं तो वेजिटेरियन शुरू से ही था, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं रही। और आई नेवर यूज्ड टू ड्रिंक एंड स्मोक, सो आई हैड नो प्रॉब्लम्स इन माय लाइफस्टाइल। आई ओके। तो सब कुछ ठीक हो गया, आई एम एब्सोल्युटली फिट, फाइन। अभी आपकी MRI हो गई है, जिससे जो आफ्टर सर्जरी होती है वो हो चुकी है, उसमें बिल्कुल क्योर्ड हो गया। बिल्कुल क्योर। टोटल जो प्रोसेस आपका टाइम पीरियड लगा वो कितना लगा? लगभग 3 मंथ्स लगा। मैं अभी आया हूँ चेकअप के लिए, लेकिन मेरा 3 मंथ्स में क्योर हो गया था, इतना मेरे को मालूम। ठीक है। तो ये मेरी तो सबसे अच्छी राय यही है सबको कि आप जब भी आपको ऐसी कॉम्प्लिकेशन आए, पहले तो भगवान करे आपको ऐसी कॉम्प्लिकेशन आए ना। बिल्कुल। और अगर आ जाए तो डॉक्टर पंकज गर्ग को जरूर मिले। आई थिंक यू विल गेट द रिजल्ट्स विद इन फर्स्ट डे। सर के बारे में क्या कहना चाहिए, मतलब कैसा है सर का आपने ऑपरेशन कराया, एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं आपको बता दूं कि सर मेरे लिए तो भगवान का रूप है। आई विल से दिस वेरी वेरी क्लियरली, ही इज नॉट ओनली अ ग्रेट सर्जन, ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। ये आपको हर तरफ से सहूलियत देते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, और आपको इतनी कंफर्ट के साथ सर्जरी से लेके चले जाते हैं कि आपको उस समय एहसास भी नहीं होगा कि आपके साथ उस समय इन्होंने क्या किया है। बिल्कुल। और आपको पूरे कंफर्ट के साथ, पूरे कंफर्ट जोन के साथ ये सर्जरी करते हैं। आई थिंक ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल, मैं आपकी बात को अच्छे से समझ सकता हूँ। मैं भी इसी दौर से गुजर रहा हूँ, मेरे को 17-18 दिन हो चुके हैं सर्जरी कराए हुए। और सीरियसली मैंने इतने बड़े डॉक्टर और इतने सज्जन जो उनका नेचर है वो नहीं देखा है, क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्मली जो इतने बड़े डॉक्टर होते हैं तो इतना बात नहीं करते हैं नॉर्मली, आपने देखा होगा। डॉक्टर बहुत 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 अच्छे हैं नेचर के बारे में, तो मैं नहीं कर सकते। बिल्कुल। सिर्फ एक राय और दूंगा कि जो लोग यहाँ से पंचकुला से बाहर से आते हैं उनको यहाँ का पूरा अपना जो भी लॉजिस्टिक्स है वो अरेंज कर ले, ताकि उनको अच्छा घर मिल जाए, अच्छा जो WC है उसके साथ शावर हो। बिकॉज इस प्रोसेस में जो क्योरिंग प्रोसेस है इसमें क्लीनिंग सबसे वाइटल है। तो आपको जगह ऐसी मिली थी जहाँ आपको ग्राउंड फ्लोर मिल जाए, फर्स्ट फ्लोर हो तो लिफ्ट हो, होटल में है तो आपको जेट वॉश अच्छा मिल जाए। सो जस्ट मेक श्योर आपको लॉजिस्टिक्स जो है वो सही हो, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए सर्जरी। आफ्टर सर्जरी जो प्रोसीजर है वो इजिली हो जाए। हाँ, वो इजिली हो जाए, ताकि आप डॉक्टर साहब से मिल सके रेगुलरली, जो आपके साथ अटेंडेंट है वो सीख सके कैसे इसको करना है, क्योंकि आपके घर के किसी ना किसी मेंबर को साफ होना जरूरी है। ठीक है। तो आप इंडिया में कहाँ पे रहते हैं सर? मैं मोहाली से। मोहाली। अच्छा, यहीं से है। मोहाली से। ठीक है। तो आपको ज्यादा कोई ऐसी आने जाने में परेशानी नहीं? हमें कोई मुश्किल नहीं थी, हमारे पास सारी फैसिलिटीज थी विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। और फिर हमारे को तो ये तो भगवान स्वरूप डॉक्टर मिल गए, तो ग्रेट एफर्ट एंड आई एम रियली थैंकफुल।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत टाइम दिया और मैं सीरियसली आपको दिल से थैंक देना चाहूंगा कि आप सही हो गए हैं, और भगवान ऐसी बीमारी किसी को भी ना दे। मैं खुद इस बीमारी से जूझ रहा हूँ दोस्तों, तो देख सकते हैं आपने, सर ने जैसे भी बताया ये पूरी 100% क्योर हो चुके हैं, मैंने जस्ट अभी इनकी MRI देखी है। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।